देखते हैं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, बिटकॉइन में 5 दिन की जबरदस्त डंपिंग के बाद आज हमें फिर से एक हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली है। क्या हम इससे ये मतलब निकाल सकते हैं कि मार्केट में फिर से तेजी आ रही है, या फिर वेल फिर से छोटे इन्वेस्टर के लिए या छोटे ट्रेडर्स के लिए कोई ट्रैप तैयार कर रहे हैं? बिटकॉइन चार्ट एनालिसिस से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, वो सभी की सभी बिटकॉइन को ही चार्ट को ही फॉलो करती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, $30,000 के आसपास बिटकॉइन ने 3 बार $30,000 से $22,000 के बीच में 3 बार बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया है, पर वो बाउंस बैक ज़्यादा देर तक रुका नहीं है ऊपर, या उसने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है $40,000 के पास। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो नीचे के लोज हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं एक साथ में। एक ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं दोस्तों नीचे के लोज को कनेक्ट करके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन गई हमारी। अब हम ऊपर के डॉट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे पास एक ट्रायंगल हमको साफ नजर आ रहा है क्लियरली बिटकॉइन के डेली चार्ट पर। तो दोस्तों 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिक ट्रायंगल। ये है दोस्तों, जिनको पता है इस बारे में दोस्तों, ये है सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, लोअर हाइज लगते हैं। आप देख रहे हैं लोअर हाइज लग रहे हैं और हायर लोज पर लग रहे हैं। यहाँ पे इसने लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे लगाया, फिर उसके बाद अभी यहाँ एक लो लगाया है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद ये जो अपर लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, और ये लोअर लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास इसके बाद 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो ये अप लाइन को ब्रेक करेगा या ये लोअर लाइन को ब्रेक करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि अगर अप लाइन को ब्रेक करता है तो कितना जा सकता है बिटकॉइन। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था एक बार, तो और यहाँ पे भी 40,000 पर ये बहुत बार ऊपर टच करने की कोशिश किया है और ब्रेक करने की कोशिश किया है, बट हर बार उसी लेवल से ये दोबारा नीचे गिर जाता है लोअर लाइन की तरफ, हमारे $30,000 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लाइन बना लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं दोस्तों हम रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस रेंज का, क्योंकि एक रेजिस्टेंस रेंज है 40,000 से 42,000 के बीच में, क्योंकि हर बार ये जब भी यहां पे जाता है ये रिवर्स आ जाता है $30,000 की तरफ। अब देखते हैं दोस्तों, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए ये आगे चल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो ये 40,000 के रेजिस्टेंस को फेस करेगा। और इसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके लिए ये करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार ट्राई कर चुका है 40,000 को ब्रेक करने की, और ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन भी बन चुका है अभी इसके लिए। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, अगर ये अपर लाइन को ब्रेक करता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जो ट्रेड लेना है वो 40,000 के बाद ही लेना है। आप 40,000 के बाद ही इसके अंदर एंट्री करें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से किसी भी वक्त ये दोबारा रिवर्स हो सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप देखते 20 सिनेरियो को देखते हैं दोस्तों, अगर 20 सिनेरियो बनता है तो इससे पहले हम एक और रेंज डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 30,000 से बहुत बार ये बाउंस बैक कर चुका है, तो हम एक रेंज यहाँ पे लगा लेते हैं। ये बहुत बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ पर, और इसको हम देंगे सपोर्ट रेंज। ये हो गई हमारी सपोर्ट रेंज। ये देखिए दोस्तों, अगर ये
को ब्रेक करता है तो ये यहाँ से बार बार बाउंस बैक ले रहा है, बट बाय चांस अगर वो इसको भी ब्रेक करता है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि अगर यहाँ पे अगर वेल किसी को भी ट्रैप करते हैं, क्योंकि ये एक तरह का ट्रैप ही लग रहा है, क्योंकि ये कहीं पर भी 40,000 को ब्रेक करता हो और नहीं दिख रहा है, तो हमें ये बहुत ही कॉन्शियस रहना है इस ट्रेंड रेंज को लेकर। जब तक ये 40,000 और 30,000 के बीच में घूम रहा है तो हमें हर वक्त कॉन्शियस रहना है, क्योंकि क्योंकि वेल्स का यही काम है दोस्तों, वो आपको हर जगह पे ट्रैप करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि अब की बार लेवल ब्रेक होंगे, बट वो वहीं से रिवर्स करेंगे आपको, बट वो वहीं से मार्केट को रिवर्स ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ये 30,000 को ब्रेक करता है या 29,000 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके क्या हो सकते हैं? तो नेक्स्ट टारगेट हम देखते हैं। नेक्स्ट टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों वीकली चार्ट पे, क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट हमें नजर आ रहे हैं जो 2017 में बना था हाई बिटकॉइन का, वो 20,000 का है दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट अगर ये इस सपोर्ट रेंज को ब्रेक करता है तो ये डायरेक्टली 2 या 3 कैंडल में मुझे लगता है ये 20,000 को टच कर देगा। तो यहाँ पे भी एक हम सपोर्ट रेंज बना लेते हैं दोस्तों। ये भी एक सपोर्ट रेंज होगी दोस्तों। अब दोबारा से मैं इसको डेली चार्ट पे करता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस रेंज है और 2 सपोर्ट रेंज है। अब मैंने आपको दोनों सिनेरियो अच्छे से समझा दिए दोस्तों। अगर ये अपर लाइन को ब्रेक करता है तो $40,000 को रेजिस्टेंस को फेस करेगा, अगर ये लोअर सपोर्ट रेंज को ब्रेक करता है या लोअर लाइन को ब्रेक करता है मे भी ये बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि ये पहले भी 3-4 बार बाउंस बैक कर चुका है, बट जितनी बार ये लोअर रेंज को टच करेगा ये और ज़्यादा वीक होता जाएगा BTC का चार्ट। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है और अपने माइंड में बिठा के रखनी है। बट अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना 30 से 40% जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं 100% में से। मान लो आपको 1 लाख लगाने हैं तो 30 से 40 हज़ार अभी आप लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 20,000 जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा BTC अभी डाउन चल रहा है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।